यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और ये माइनक्राफ्ट का नॉर्मल वर्जन नहीं है, ये माइनक्राफ्ट का न्यू वर्जन 1.17 वर्जन है। और मैंने यहाँ पे एक पिक्स बना लिया, और अब चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा है, हम बनाएंगे एक इंचेंटिंग टेबल, और उससे हम जादूगरी करेंगे, मतलब अपने चीज़ों को इंचेंट करेंगे, और उससे हम और भी ज़्यादा ओवर पावर्ड होंगे। जैसे कि अभी हमारे पास एक आयरन का आर्मर है, इसमें कोई भी इंचेंटमेंट्स नहीं लगे, और अगर हम इंचेंटमेंट्स को लगाते हैं तो हमारे किसी भी टूल या फिर आर्मर में कुछ स्पेशल एबिलिटी आ जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ऑब्सीडियन, और ऑब्सीडियन को माइन करने के लिए चाहिए होता है डायमंड का पिकेक्स। तो डायमंड हमारे पास पड़े है, एक फटाक से पिकेक्स बनाते हैं, इसी तरह बनेगा। ओके, तो मैंने पिकेक्स बना लिया है एक, और मैं सिर्फ एक ही बनाऊंगा, और मैं बाकी के 3 डायमंड्स को सेव करके रख दूंगा यहाँ पे। और ये देखिए गोल्ड का, और देखिए गोल्ड का और ही है ना, ये भी काफ़ी चेंज हो गया है। मैं इसे रख के देखता हूँ। वाह, ये पहले से काफ़ी मस्त लग रहा है, वैसे पहले भी अच्छा था लेकिन ये वाला उससे भी अच्छा है। तो चलते हैं बाहर। और हाँ फ्रेंड्स, हमें अपना घर बनाना है, क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। हमें ऑक्सीजन को माइन करने के लिए हमें ऑक्सीजन पहले बनाना तो होगा। ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें उसकी भी एक रेसिपी होती है ऑक्सीजन बनाने की, पहले अपने घर में जाने का रास्ता बनाना था अच्छा सा। ओके, ये वैसे घर को हम जल्दी बाय बाय बोलने वाले हैं। ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक बकेट ऑफ वाटर, क्योंकि अगर हम लावा में बकेट वाटर डालते हैं तो उससे हम आयरन बना सकते हैं, मतलब उससे हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। यहाँ से हम पानी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा पानी यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, और चलते हैं उसी माइन में जहाँ हम लोग पिछले बार गए थे। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक वाटर बकेट ट्री करने की ट्राई करने वाला हूँ, क्या पता मैं कर ही लूँ। और मैं देखते हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को करते हुए देखा है, आई थिंक ये इजी होगा, ट्राई करते हैं। जय माता दी। ओ भाई, मैंने पहली बार में से कर लिया। तो मतलब इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, इस बात के लिए एक लाइक बनता है, एक लाइक बनता है। चलिए मैं डायमंड का पिकेक्स को यूज़ करूँगा, बहुत पावरफुल होता है डायमंड पिकेक्स, मैंने आयरन से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम इसे भी इंचेंटमेंट करेंगे, मैंने इसे भी इंचेंट करेंगे। एक मिनट, एक कोल ओर है ना, ये कोल ओर भी काफ़ी चेंज हो गया है ना, ये काफ़ी अच्छा है कोल ओर। ओके, हमें ज़्यादा अभी कोल की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए रेड स्टोन का ओर, देखिए ये भी बहुत मस्त लग रहा है। ओके, तो रेड स्टोन का ओर हमने कलेक्ट कर लिया है, और हम लोग इधर से आए थे। हाँ ओके, तो हमें सामने लावा दिख रहा है, तो हमें बस, ओ भाई गोल्ड का ये आयरन ओर है, आयरन ओर, एक मिनट, इससे हमें आयरन ओर मिलता था अभी पहले, और अब मिला है हमें रॉ आयरन। ओके, तो इससे हम कुछ बना सकते हैं क्या? नहीं, नोप। कुछ न्यू रेसिपी अनलॉक हुई? नहीं, न्यू नोप। शायद इसे भी हमें मेल्ट करना पड़ेगा, बस इसका नेम चेंज कर दिया गया है। और हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बकेट ऑफ वाटर डालना है यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्सीडियंस मिल चुके हैं, और अभी हमें माइन करना है। Two hours later. Okay, तो मैंने एक एक्स्ट्रा माइन कर लिया, हमारे पास 8 ऑक्सीजन से, और हम इस गोल्ड को भी माइन कर लेते हैं, मैं मतलब आयरन को। और अब चलते हैं हम वापस अपने घर पे, और वहाँ पे हम बनाएंगे इंचेयरमेंट टेबल, और करेंगे थोड़ी बहुत जादूगरी। ऐसे इंचेयरमेंट को जादूगरी तो नहीं बोलते, पर चलते हैं। यहाँ पे क्रीपर है। ओके क्रीपर, भाई मैं फंस गया, मैं गया, मर जा। ओके ओके, मर जाएगा ये, अभी मर जाएगा। ओके, वैसे मैंने इसे स्टोन स्वॉर्ड से क्यों मारा, मैं इसे आयरन स्वॉर्ड से मारता तो ये और जल्दी मरता। ओके, तो चलते हैं ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हमेशा की तरह रात हो रही है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ज़्यादातर रात ही होते रहती है, पता नहीं क्यों। और बॉडीगार्ड सर, आप कैसे हो? ओके, तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ, वह हमारा घर वहाँ पे है। ए तूने का तुझसे मुझे बात नहीं करना। ओके, तो हम अपने घर में आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे जल्दी से स्टोन लगाता हूँ। अब तो नहीं आ सकते यहाँ पे, चल निकल। ओके, तो हम बनाते, इधर भी लगाते, और अब हम बनाते हैं अपना
इंचेनमेंट टेबल, आई थिंक यहाँ पे डायमंड है, डायमंड निकालेंगे तो रेसिपी बुक में आ जाएगी। कहाँ है? ओ मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकता फ्रेंड्स, मुझे इसके लिए बुक की ज़रूरत होती है, और बुक के लिए हमें चाहिए शुगर केन, क्योंकि शुगर केन से पेपर बनता है, और पेपर के बाद चाहिए हमें थोड़ी सी लेदर, तो लेदर हमें मिलेगी काव से, तो काव की यहाँ पे काफ़ी कमी है, यहाँ पर मुझे दो काव दिख रही है, मैं इन्हें मार के लेदर ले रहा हूँ। सॉरी काव, यू हैव टू डाई। किसने मुझे लेदर दिया? ओके एक लेदर दिया, ओके इसमें दो लेदर दिया, ओके तो आई थिंक इतना लेदर मेरे लिए काफ़ी है, मैं इन वीट को फेंक देता हूँ। सॉरी भाई साहब, मैंने आपकी गाय को मार दिया, आप उम्मीद है आप जल्दी दूसरा गाय को ले आओगे। नहीं आप नहीं लाओगे, मैं वापस आपको गाय कर दूंगा, मैं जब मेरा बहुत बड़ा कासिल होगा, ठीक है? हाँ इसने भी हाँ बोला, तो मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दूंगा ला के, ठीक है? ओके इसने हाँ बोल दिया, तो अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चलते हैं शुगर केन लेने, शुगर केन मुझे सामने दिख रहा है, तो चलते हैं शुगर केन लेने। एक प्रो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, शुगर केन को एकदम नीचे से नहीं तोड़ना, क्योंकि वो फिर से ग्रो नहीं होगा, अगर आप ऊपर से तोड़ोगे तो इस फिर से ग्रो होता है। तो चलते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा शुगर केन है, आई थिंक 10 से हमारा काम हो जाना चाहिए, अब हम चलते हैं वापस। क्या तट्टी सा घर मेरा बना के रखा है। साहब जी आप जाओ यहाँ से, अब यहाँ पे होगी जादूगरी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें लेदर को रखना होता है यहाँ पे, और शुगर इस नहीं, पहले हमें पेपर बनाना होता है, तो पेपर बनाने के लिए हमें इस तरह रखना होता है। ओके तो हमारा पेपर हमारा मिल चुका है, और अब हमें बस सिंपली बुक बनाना है ना, तो बुक का रेसिपी ये रहा। ओके तो बुक हमारा इस तरह से बन जाएगा, तो बुक को हम रख लेते हैं यहाँ पे और कबर्सों को फेंक देते, और अब हमारा बन जाएगा यहाँ पे। ओके ये इस तरह ऊपर बुक रहता है। ओके हमारा क्राफ्टिंग टेबल आई मीन इंचेनमेंट टेबल बन चुका है। ओके तो अब हम यहाँ से इंचेनमेंट कर सकते हैं। मैं इसे अभी खुले में रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास घर नहीं है, तो ओके मैं इसे रखता हूँ। मेरे पास लेपिस लजूली भी है, इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और सबसे पहले मैं इंचेंट करूँगा अपने पिकैक्स को, इसे मिलेगा अनब्रेकिंग वन। ओके तो मैं इस अनब्रेकिंग वन को रख लेता हूँ, और मुझे दो इंचेनमेंट यहाँ मिल गए, यहाँ पे एफिशिएंसी भी मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और अब मैं अपने स्वॉर्ड पे भी कुछ लगा देता हूँ। ओके यहाँ पे स्माइट लेकिन लगेगा नहीं, क्यों? ओ लेपिस का, मैं लेपिस को डालते और यहाँ पे हमें शार्पनेस मिल जाएगा। शार्पनेस मतलब इससे हमारा स्वॉर्ड ज़्यादा शार्प हो जाएगा, तो मैं शार्प ही ले रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब शार्पनेस मतलब ये हमारा स्वॉर्ड शार्प हो जाएगा। और हम अपना हेलमेट में लगाते हैं, क्या मिलता है हमें देखते हैं। ओके प्रोटेक्शन और एक्वा इन्फिनिटी, सॉरी इफिनिटी। प्रोटेक्शन तो मतलब ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, और एक्वा इफिनिटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं प्रोटेक्शन ले लूँ या एक्वा इफिनिटी। सर इससे हम लोग पानी में सांस लेने पाएंगे बहुत देर तक, तो मैं ये लूँगा शायद, या फिर क्योंकि इसमें कम कॉस्ट लग रहा है तो मैं ये ले कर रखता हूँ। और चेस्ट प्लेट में भी देखता हूँ कौन सा इंचेनमेंट लगेगा, यहाँ प्रोटेक्शन ही है और कुछ लगेगा नहीं, तो मैं प्रोटेक्शन लगा ले रहा हूँ। ओके यहाँ पे प्रोटेक्शन और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है? मैं दोनों प्रोटेक्शन लगा ले रहा हूँ, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत अच्छा इंचेनमेंट होता है, मैंने सुना है। तो जूते में लगाऊंगा मैं, देखते क्या मिलता है। इसमें प्रोटेक्शन सब में हमारा प्रोटेक्शन बन चुका है, लग चुका है। और ओके तो अब हमारा कैरेक्टर कैसा लग रहा है देखते हैं। वाह क्या मस्त चमचमाता हुआ लग रहा है। और एक हाथ में मैं काम करता हूँ, मैं एक हाथ में इसको ये देता हूँ। ओके भाई साहब क्या मस्त हमारा कैरेक्टर चमचमाता हुआ लग रहा है, पर्पल साइन के साथ हमारा कैरेक्टर यहाँ पे रेडी है। तो इसी के साथ आज का हमारा एजेंडा हुआ कंप्लीट, और अगले एपिसोड में हम बनाने वाले हैं अपना घर। हाँ अगले बार हम पक्का अपना घर बनाएंगे, वैसे मैं ये बात 4 एपिसोड से बोल रहा हूँ, पर कोई नहीं, हम अगले एपिसोड में सीधा अपना घर बना लेंगे, और हम इस छोटे से तबेले में नहीं रहना पड़ेगा हम लोग को। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।